Hello student, good morning. Today we are going to start our mathematics lesson and class 4 RBSC syllabus lesson 1 library. So in your previous class आपने कहाँ तक पढ़ा है? 500 तक आपने नंबर सीख लिए हैं. तो पहले हम उन्हीं का वापस थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. You had done practice of numbers up to 500 in previous class. Let's practice again. वापस उनकी practice करेंगे. 227 तो आगे क्या आएगा? इन सबको आपको भरना है. 227 मतलब 228 आएगा, फिर 229, इस तरीके से 230, फिर 231, 232, इस तरीके से आपको इनको भरना है. 476 से मतलब हमने इनसे आगे चलना है. 477, ओके. एंड इन नेक्स्ट 156, तो 157, नेक्स्ट 158, 159 ऑलरेडी है तो आगे 160, इस तरीके से आपको इनको ब्लैंक्स को भरना है. अब आपको इनके 368 है तो जस्ट बिफोर क्या आएगा एंड जस्ट आफ्टर क्या आएगा वो भरना है. इसके आगे ब्लैंक के मतलब जस्ट बिफोर भरना है. जस्ट बिफोर 368 का जस्ट बिफोर 367, ठीक है. ऐसे ही 453 आफ्टर क्या आएगा 454, तो आपको इन सब में भी इसी तरीके से भरना है, ठीक है. नेक्स्ट 382, हम इसको ऐसे ही बोलते हैं 382, मतलब ये क्या है, 300 है, फिर 80 है और फिर उसमें 2 जुड़ा हुआ है. अगर ये सब ऐड करते हैं तो 382 बन जाते हैं. इसी तरीके से 226, तो 200 प्लेस पे है इसलिए 200 प्लेस, एंड 2 टेंस प्लेस पे क्या है 2 है, और वंस प्लेस क्या है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है. इसी तरीके से 372, तो 100 प्लेस पे क्या आएगा, 100 प्लेस पे तो 3 है तो 3 आ जाएगा, टेंस प्लेस पे 7 है तो 7 आ जाएगा, और वंस प्लेस पे 2 है तो 2 आ जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट 498 मतलब 400 आएगा. 400 आपको इसको नंबर में ही लिखना है. देखो इसका 90 और 8 को इसमें वर्ड्स में लिखा है तो हमने अपने को भी 400 जो है वो भी वर्ड्स में ही लिखने हैं. तो आप कैसे लिखेंगे, फॉर FOUR फॉर 100 HUNDRED 400, ठीक है. 98, तो ये इस तरीके से इसको फिर वापस ये ऐड किया हुआ है. अब इसको इक्वल करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 498, ठीक है. ये एड का हट जाएगा, तो ये इसको क्या लिखेंगे जब इनको वर्ड्स में लिखना हो इस नंबर को, तो कैसे लिखेंगे, 498, ठीक है. इसी तरह 456 लिखा है, मतलब अगर 50 बता रखा है मतलब हमें इनके बताने हैं कि ये 50 टेंस प्लेस की वजह से 50 हो गया. 5 times 10 मतलब 50, और वंस प्लेस पे 6 है तो 6 आ जाएगा वंस प्लेस पे, फिर 50 का हो गया तो आगे क्या है, ये 4 क्या है, 100 प्लेस पे है तो 400, और 400 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है. नेक्स्ट है 285, अब इनको वर्ड्स में लिखा हुआ है तो हमें भी आगे इसको कंटिन्यू वर्ड्स में ही करना है. 200 फिर 80 और 5, ओके. 372, इनको भी वर्ड्स में लिखना है. 72 देखो लिखा हुआ है तो आपको क्या लिखना है, 300 लिखना है बस, 300, ठीक है. इस तरीके से आपको ये फिल करने हैं. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, आइडेंटिफाई द नंबर्स फ्रॉम 501 एंड 999. तो ये 500 तक आपने पहले सीखी हुई है, अब हम 501 से लेके 999 तक सीखेंगे. इन दिस लाइब्रेरी पीरियड
टीचर टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स दैट लाइब्रेरी वॉज नॉट अरेंज्ड फॉर मैनी डेज एंड टू हेल्प हिम टू अरेंज द बुक्स. देखो ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है. अब ये स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी है और ये क्या अरेंज नहीं करी हुई है, मतलब सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है इसमें. तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा नंबर कहाँ आएगा और कौन सी बुक का कहाँ आएगा. जैसे 501 फर्स्ट में ए रो में आ गई है ना, ए रो की, ए रो में 501 से लेके 510 तक की बुक्स रखनी है. तो 501 रखी, 502, फिर किसका टर्न आएगा, 503, 504, इस तरीके से इनका इनमें से देख के इनको यहाँ पर रखनी है. फिर देखो नेक्स्ट बी रो है, तो 510 के बाद 511 से लेके 520 तक बी रो में आ जाएगी. फिर सी रो है, तो 521 से लेके 530 तक, यहाँ पर 530 तक आ जाएगी. फिर डी रो में 541 से लेके 531 से लेके 540 तक आ जाएगी. और लास्ट में जो ये ई रो है, इसमें 541 से लेके 550 तक आ जाएगी. तो ये जो लाइब्रेरी नंबर वन है, इसमें हम 501 से लेके 550 तक की बुक्स को अरेंज करेंगे. ठीक है, आप देखिए कैसे अरेंज, अब बता दिया है आपको कैसे अरेंज करनी होती है, सीरियल वाइज अरेंज करनी होती है. ये अब पूछ रहा है स्टूडेंट, सर आई हैव द बुक ऑफ नंबर 545, वेयर शुड आई प्लेस इट, इट इज इन अलमीरा. उसके पास जो बुक है उसका सीरियल नंबर क्या है, 545, तो ये कौन सी वाली रो में आएगी. तो फिर अनिल यू हेल्प महेंद्र, सर बोलते हैं कि ये तुम, ये महेंद्र है, अनिल तुम इसकी हेल्प करो. तो फिर महेंद्र उसकी हेल्प करता है कि 545 आया है, मतलब ये 501 से लेके 550 वाली जो ई रो है इसमें 542 यहाँ आएगा, 543 यहाँ आएगा, 544, तो इसके बाद आता है 545. तो इसकी बुक कहाँ अरेंज होगी, यहाँ पर, मतलब जो ये अलमीरा है इसमें ये जो ई वाली रो है इसमें यहाँ 544 के बाद यहाँ पर 545 वाली बुक आएगी. तो ऐसे ही अब आपको भी पता रखना है सीरियल कैसे क्या होता है. लुक महेंद्र, बुक ऑफ नंबर 545 विल बी प्लेस्ड हियर, यहाँ पर रखी जाएगी. महेंद्र ने उस, अनिल ने उसको बता दिया, दैट मीन्स इन रो ई इन अलमीरा नंबर वन, जो अलमीरा नंबर वन है, ये अलमीरा नंबर वन इसकी रो ई है, इसमें यहाँ पर ये बुक आएगी. गुड अनिल, यू आर राइट, सर ने फिर उसको, अनिल को गुड बोला. ठीक है, नेक्स्ट अलमीरा नंबर टू आ जाएगी. तो अब अलमीरा नंबर वन में हमने 501 से लेके 550 तक बुक्स अरेंज कर दी. अब यहाँ पर 551 से लेके 560 तक फर्स्ट सेकंड अलमीरा और ए रो में आ जाएगी. 561 से 70, फिर 71 से 80, फिर 81 से 90, 591 से 5 और 600 तक. ठीक है, ये 600 नहीं आएगा यहाँ पर, 500. तो ये 551 से लेकर 600 तक हम इस अलमीरा नंबर टू में बुक्स अरेंज करेंगे. ठीक है, टेल मी वेयर द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स विल बी प्लेस्ड इन विच अलमीरा, प्लेस द बुक्स. अब आपको ये जो नंबर दिखाए हैं वो कौन सी अलमीरा में आएंगे और कौन सी रो में आएंगे ये बताना. जैसे बुक नंबर 503, तो 503 मतलब वो तो उस, इस रो में तो 551 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 503 तो अलमीरा नंबर वन में आएगा. तो अलमीरा नंबर वन में 503 आएगा, यहाँ पर आएगा. तो ये 503 जो ये जो नंबर है वो अलमीरा नंबर वन और रो नंबर ए में आएंगे. तो अपने को यहाँ पर इसको फिल कर देना है. ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि 503 कहाँ पर आएंगे, अलमीरा वन एंड रो ए. ठीक है, तो इसी तरीके से अब आपको इसी सीरीज में भरना है. 553 कहाँ पर आएंगे,
तो उस अलमीरा नंबर वन में तो 550 के बाद ख़त्म हो गया है, तो 553 मतलब 553 तो 550, 551, 552, 553 मतलब अलमीरा नंबर टू और रो ए में आएंगे, तो यहाँ पर भी यही भरना है 553 अलमीरा चेंज हो गई, अब अलमीरा टू एंड रो सेम है, रो ए में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको बाकी डिजिट का भी भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक नंबर 585 टू 589 विल बी प्लेस्ड इन विच अलमीरा एंड इन विच रो, ठीक है, ये बताना। 585 मतलब 581 से 90 वाली रो में आएंगे, 581 से 90 वाली रो कौन सी है, 570 वाली है, 581, 582, 83, 84 यही रो है, तो यहाँ पर आएंगे तो ये रो कौन सी है, डी रो, और अलमीरा नंबर टू, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, भर देंगे अलमीरा टू एंड रो डी में आया है, तो डी भर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बुक्स विल बी प्लेस्ड इन रो बी ऑफ अलमीरा नंबर वन, अलमीरा नंबर जो वन है उसके बी रो में कौन सी बुक आएगी, तो आपको अलमीरा नंबर वन देखनी है, पहले अलमीरा नंबर वन देखेंगे और रो बी पूछी है, तो बी रो में कहाँ से आ रही है, 510 तक हो गया, तो 511 से लेके 520 तक, तो आपको यहाँ लिखना है 500, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 और 520 वाली जो सारी बुक्स है वो अलमीरा नंबर वन और बी रो में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ना है नंबर्स अबाउ 500, अब 500 के अबाउ जो नंबर हैं उनको पढ़ते हैं। 500 प्लस 100, 100 को ऐड करेंगे तो 600 हो जाएंगे, 600 प्लस 100 ऐड किया तो 700 हो जाएंगे, 700 प्लस 100 ऐड किया तो 800, 800 प्लस 100 900, 900 प्लस 100 1000, ठीक है। जब ये जो पीछे दो सुपर है सबके, दो सुपर लगी है सबके, लेकिन जब ये तीन में बदल जाती है तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, ये फोर डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है अब, ठीक है ना। इसी तरीके से थ्री डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 हो जाएगा, क्योंकि ये थ्री डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे स्मॉल और थ्री डिजिट के कोई नंबर नहीं, क्योंकि इससे स्मॉल तो फिर टू डिजिट वाले नंबर आ जाते हैं, और इससे भी फोर डिजिट वाले से इससे छोटा और कोई डिजिट नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो 999 आते हैं, तो वो तो थ्री डिजिट ही हुए। तो इसी तरीके से हमें पता रखना है कि ये जो 1000 है वो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है, और जब अपन को बिगेस्ट पूछे तो इसी की जगह अपोजिट हो जाएगा 999, तो ये सबसे बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नंबर्स इन वर्ड्स, आपको जो नंबर लिखा है उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है वो बताऊंगी। तो जैसे लिखा है 563, 500 प्लस 60 प्लस 3, ठीक है, तो 563 हो गया, इसको कैसे लिखा, 500 प्लस 60 प्लस 3 इक्वल टू 500 प्लस, पहले 60 और 3 को ऐड कर दिया तो 63 हो गया, और फिर इन सबको ऐड कर दिया 563, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमने लिखेंगे जो लिखा है उसी को लिखेंगे, जैसे पहले 525 पे तो पहले 500 आएगा, तो 500 फिर 20 तो 20 और फिर 5 इक्वल टू क्या होएगा 500, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ 500 और प्लस होके 20 और 5 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 और फिर
इनको ऐड किया, सबको इनको भी ऐड किया तो 525 हो गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब ये आपको करना है 540 है तो पहले 500 लिखना है, 500 यहाँ लिखना है, 40 यहाँ लिखना है, तो 540 हो जाएगा। इन द सेम वे आपको इसी तरीके से लिखना है 600 + 30 + 8 तो 638 हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये छोटी जगह है तो आपको अपनी नोटबुक में इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। जैसे 778 है तो 700, फिर 70, फिर 8 की स्पेलिंग लिखने के बाद फिर आपको उनको ऐड करना है 70 और प्लस 78 और फिर क्या हो जाएगा 778। ठीक है, इसी तरीके से 808, 889। ओके, नेक्स्ट 5। अब टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको देखते हैं। 501, 503, फिर 507, 569। तो ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, हम समझते हैं। सर पूछ रहे हैं, प्रेम व्हाट इज रिटन ऑन योर कार्ड। जब ये जो चिट्ठियाँ पढ़ी है देखो इसमें, तो ये जो प्रेम है उसने अपनी चिट्ठी निकाली, उसने जो चिट्ठी निकाली तो सर ने पूछा कि तुम्हारी चिट्ठी में क्या आया है। तो उसने, प्रेम ने क्या बोला, सर इन माई कार्ड 4 homes before 507 इज रिटन। मेरे कार्ड में क्या लिखा है, 507 before 4 homes, मतलब जो 507 है उसके बिफोर यानी पहले, 4 homes उसके पहले 4 home की प्लेस पे क्या आएगा, तो वो डिजिट मेरे कार्ड में आई है। तो फिर सर पूछते हैं, ओके टेल मी विच नंबर विल कम बिफोर 4 homes before 507। 507 बिफोर 4 homes कौन सा नंबर आएगा। तो प्रेम काउंट्स 4 homes before 507, फिर वो प्रेम अपना काउंट करता है, फिर वो बोलता है सर 503 कम्स व्हेन वी काउंट 4 homes before 507। देन सर बोलते हैं वेरी गुड प्रेम, नाउ मेक ए सर्कल ऑन 503 एंड राइट इन इट इन वर्ड्स। 503 को फिर वर्ड्स में भी लिखाया, मतलब जैसे 507, ये 507 आया उसके, और उसको बोला कि उस जो कार्ड में क्या बोला, 4 homes before, मतलब 507 से बिफोर 4 homes, मतलब 506, 505, 504, 123 हुआ, तो 503। तो अब पता चला आपको, बिफोर 4 homes मतलब 507 तो उसके कार्ड में था, 507 से बिफोर 4 homes मतलब 4 home पहले क्या आएगा, 5, 1, 2, 3, 4, देखो 4 की जगह पे 503 अपने भी आ गया ना, तो इसी तरीके से उसके भी आया। फिर उसने सर्कल बनाया और इसको नंबर में भी लिखा 503। ठीक है, तो अब आपको बिफोर पूछे तो उससे पहले के बताने हैं, जो जितने भी होम उसने बोले हैं, और अगर आफ्टर पूछे तो उसके बाद के बताने। जैसे 507 आफ्टर 2 homes आता तो क्या लिखते अपन, इसके बाद 2 homes मतलब आफ्टर, मतलब 508, 509, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 509, क्योंकि ये 507 के 2 homes लेटर है ना। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं। What number is written on a home which is 5 homes before 532? 532 के before 5 homes क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा? तो 532 पहले लिख देना है, फिर इसके पहले क्या आता है, 32 है तो 31 आएगा। ठीक है, ये 32 है, यह तो प्लेस है, इसके बाद अपने को कितना आगे जाना है, 5 homes आगे जाना है, तो 531, फिर 531 से पहले 530 आते हैं, फिर 530 के बाद 529 आते हैं, फिर 528 आते हैं, फिर 527 आते हैं। तो ये देखो, अब होम्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 homes बिफोर क्या आया, बिफोर 532, 5 होम बिफोर आ गया 527। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नंबर इज रिटन ऑन ए होम विच इज 3 homes अहेड फ्रॉम 588। अब इसमें बोल रहा है कि 3 homes अहेड,
अहेड मतलब आगे, तो 588 से थ्री टाइम अपने को आगे बोलना है, तो 588, 589, 590 और 591। तो थ्री होम्स आगे क्या आया, ये 1, 2 और थ्री होम्स आगे आया 591, तो अपना आंसर क्या हो गया 591। ऐसे ही व्हाट नंबर इज रिटन ऑन अ होम विथ इज 6 होम अहेड फ्रॉम 515। अब 515 से आगे अपने को 6 टाइम बोलना है, तो आप बोलिए अब व्हाट नंबर इज रिटन ऑन अ होम विच इज 4 होम्स बिफोर होम 515 से आगे आपको 6 टाइम बोल के लिख देना है, तो वो आंसर हो जाएगा व्हाट नंबर इज रिटन ऑन अ होम विच इज 4 होम्स बिफोर फ्रॉम 579। अब बिफोर पूछ बोला है मतलब उससे पहले, तो 579 से पहले 4 होम्स मतलब 578, 577, 576 और 575, 4 होम्स हो गया 1, 2, 3, 4, तो आंसर 475 हो गया। ठीक है, अ विंडो लाइक दिस, ये विंडो है इस तरीके से बता रखी है 601 से लेके 700 तक। ठीक है, जैसे अब हमने अलमीरा को सेट किया था 501 से लेके 600 तक, इसी तरह से ये चार्ट बना हुआ है, इसमें अपने को बनाना है लेट्स प्ले ए गेम ऑन काउंटिंग चार्ट। चार्ट काउंटिंग पे चार्ट बना हुआ है, इसको अपन इस तरीके से करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने मैथ्स की काउंटिंग सीख ली है। नंबर्स फ्रॉम 601 टू 700 आर मार्क्ड ऑन काउंटिंग नंबर, ये देखो यहाँ पर मार्क है और इस तरह का ये विंडो बना दिया इन्होंने, कितना तो सुंदर सी विंडो कैसे बनाई इन्होंने, इस तरीके से ही बनेगी ये विंडो, मतलब इसमें भी कोई नंबर आएगा फिर बीच वाला छूटेगा, फिर इधर भी नंबर, फिर बीच वाली रो छूटेगी, फिर नीचे वाली रो के नंबर। तो जब ये इन्होंने विंडो बनाई तो इस तरीके से बनाई कि 612 आ गया, फिर ये तो छूट गया, फिर वापस 614 आ गया, फिर बीच वाली विंडो रो ऐसी कैसी छूट गई और उससे जस्ट आगे वाली रो में 612 के नीचे ही आएगा तो 2 वाली रो ही आएगी, तो 622 तो छूट गए और 632 आ गए, फिर 632 3 को अपने को छोड़ना है, फिर 634 पे ये बन गया। तो ये इस तरह की विंडो है, सेम आप इसी तरह की कोई भी विंडो बना के फिर उन डिजिट को भी ऐसे बना सकते हो कि जैसे मैंने एक विंडो बनाई, जैसे इस सीरीज में विंडो बनाई तो मैंने पहले किसको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर मैंने इस विंडो में इसको ले लिया, फिर इस तरीके से ले लिया, ये भी एक विंडो बन गई है ना। तो आप अलग अलग टाइप से विंडो बना सकते हैं, फिर अब जब ये विंडो बनाई इन्होंने तो विंडो में जो जो डिजिट आए वो किस तरीके से आए, ये विंडो, तो ये विंडो बनी है इस तरीके से, इस विंडो को चार्ट को अलग कर लिया तो 612 आए, 614, फिर 623, फिर 632, 634, ठीक है। तो इसको इन्होंने वर्ड्स में भी लिख दिया 612, 614, 632, 644, इसी 34 इसी तरीके से अब ये इन्होंने बना दिया है। अब आपको इनमें क्या नंबर आएगा वो लिखना है और उसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 600 अगर ये ऐसी ही विंडो है ना, जैसी ऊपर बनाई वैसी ही विंडो है, तो ये तो सेम आएगी, तो अपने को क्या क्या भरना है, 678 आए हैं यहाँ पर, तो इससे पहले इसमें 677 आएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 676 आ जाएंगे, है ना। इसी तरीके से फिर बीच वाले में क्या आएगा, तो बीच वाले में ये देखो 678 वाली विंडो अपन इसमें से देख लेते हैं, 678 कहाँ है, ये रहे 678, तो इन्होंने ये वाली विंडो बनाई, ये वाला डिजिट लिया, फिर ये वाला डिजिट, फिर ये वाला डिजिट, है ना, और फिर ये वाला और ये वाला, इसके जैसे विंडो बन गई। तो अपने क्या आएगा, पहले 676 आएगा, फिर 600 बीच में 87, तो 687 यहाँ बीच में आएगा 687, फिर यहाँ 96 है तो 97, 697 वाला ब्लैंक है, 698 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको भी भरना है, ये 638 है तो इसके जस्ट ऊपर वाली रो में यहाँ की लाइन में
638 है, तो ऊपर वाली रो 21 से 30 वाली होएगी, तो 621 से लेके 630 तक कौन सा आएगा, ये 638 है, मतलब यहाँ पर आएगा 628, जो अपने को चाहिए ही नहीं, लेकिन इससे जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर वाला भर सकते हैं, 627 हो गया और 629 हो गया। इसी तरीके से अब आपको 638 तो नेक्स्ट वाली रो तो 641 से लेके 650 वाली आएगी, तो 648 और 50 से लेके अपने को तो 648 चाहिए। यहाँ पर इसके देखे देख यहाँ लिख देंगे कि इसके भी 8 वाली रो यहाँ आएगी। अब इसको क्या करेंगे, इससे जस्ट बिफोर 647 और जस्ट आफ्टर 649, इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब आपको इन जो ये एरो बनी है इसको लिखना है 629, तो आप इसको वर्ड्स में लिख देंगे 629, ठीक है, 9। इसी तरीके से आपको इनको भी लिखना है 627, 647, ठीक है, ये रो अपनी नोटबुक में बना के। अब इसी को इसी तरह से देखें, ये क्या है 653, तो 654 अपने को नहीं लिखना है, इसके बाद वाला लिखना है 655, और इसको अपने को वर्ड्स में भी लिखना है, तो क्या लिखेंगे 653, तो ये 3 हो गया। इसी तरीके से इसको लिखोगे 655, अब ये आया, अब देखो 653, फिर 654, मतलब यहाँ पर अपने को नहीं लिखना है, पर अपन लिख देते हैं 654। अब देखो ये वाली 51 से लेके 60 वाली रो है, तो अपने नीचे वाली क्या आएगी 61 से लेके 70 वाली, तो 61 वाली 61 भी नहीं आएगा, 62 भी नहीं आएगा, 663 तो यहाँ आएगा 3 की प्लेस पे, तो यहाँ क्या आएगा 664, तो ये 64 हो गया। अब अपने को आगे कुछ भरना ही नहीं है, तो नेक्स्ट वाली रो ये 61 से लेके 70 वाली रो है, तो नीचे वाली रो कौन सी होगी 71 से लेके 80 वाली, और 675 तो है, तो यहाँ पर क्या आएगा 674, यहाँ पर क्या आएगा जाएगा 673, क्योंकि ये 3 आएगा तो पीछे तो सबके सेम ही आएगा डिजिट, ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 वाली आएगी, बस ये नंबर चेंज होंगे। इसी तरीके से अब ये आपको भी भरना है, 620 है तो इससे पहले क्या आएगा 619, इसी तरीके से ऊपर वाली रो में भी 19 है, तो ऊपर वाली रो 1 से 10 वाली होगी 601 से लेके 610 में, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा 609 आ जाएगा, तो इसके आगे वाला और इसके बाद वाला भरना है, फिर इसके नीचे वाला भी यही करना है सेम, इस तरीके से ये अब आपको भरना है और इनको वर्ड्स में भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स प्ले ए गेम और नंबर लाइन, सम नंबर्स आर रिटन बिलो इन डिफरेंट शेप्स, हैंग दिस एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। जैसे ये 701 से लेके 800 तक की स्केल है, ठीक है, ये है 801 से लेके 900 की स्केल, और ये है 901 से लेके 1000 की स्केल, ठीक है। अब आपको ये जो नंबर दिए हैं वो इनको यहाँ पर कहाँ पर ये हैंग होंगे, वहाँ पर अपने को जगह ढूंढनी है, 713 है तो आप देखो 701 710 ये हो गया, तो 13 कहाँ आएंगे, 711 712 713, तो 713 तो यहाँ आएंगे, तो ये वाले यहाँ आएंगे, मतलब इसको जहाँ हैंग करने की जगह कहाँ है, यहाँ है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है 778, तो 78 मतलब अपने को 770 के बाद आएंगे, 770 के बाद ये जो बीच वाला है ये 775 होता है, ठीक है, तो इसके बाद 78 चाहिए, तो 776 777 778, तो यहाँ पर मतलब ये इसको हैंग करना है, 778 यहाँ आ जाएंगे। अब आपको देखना है 827 को कहाँ पर लटकाएं, तो कहाँ पर लटकाना पड़ेगा, ये है 801 से लेके फिर 20 आ गए, मतलब ये जो बीच वाला है यहाँ पर 810 आएगा, ठीक है, फिर ये 20 आएगा, फिर यहाँ 30 आएगा, तो 830। अब अपना जो 827 है वो किसके बीच में आता है, 820 से 830 के बीच में आता है,
ठीक है। तो 825 के लिए ये बड़ी लाइन है, ये 825 की मतलब 25 के बाद हमें एक और दो आगे जाना है, ये दूसरे नंबर वाला 827 होएगा, तो हमें यहाँ पर लटकाना है इसको 827 को। समझ में आ गया? इसी तरह अब आपको पूछा है 997, तो 997 900 वाली लाइन में आएंगे, फिर 9, अब देखो 901 लिखा है, फिर 15 लिखा है, मतलब यहाँ पर ये जो बड़ी लाइन है या 910 वाली है, फिर वापस ये बड़ी लाइन 920 वाली है, फिर छोटी वाली नहीं देखनी है, बड़ी वाली देखनी है 930 वाली है, फिर ये बड़ी वाली 940 वाली है, फिर ये बड़ी 950 वाली है, फिर ये बड़ी 960 वाली है, फिर 70 लिखा हुआ है, फिर ये 980 वाली है, फिर ये है 990 वाली। अब अपना जो 997 है वो किसके बीच में आता है? 990 से लेकर 1000 के बीच में आता है, ठीक है। तो 999 भी ये लिखा है, मतलब इससे थोड़ी सी पहले 998 आएगा, फिर 997, मतलब ये यहाँ पर इसको हमको लटकाना पड़ेगा इस तरीके से। अब आपको समझ में आया कैसे लटकाते हैं? तो आप बाकी बचे हुए को अपने अपने प्लेस पे अपनी नोटबुक में सुंदर से इस तरीके से डिजाइन बना के ही भरोगे, ठीक है। अपने अपनी जहाँ जगह होगी ऐसी डिजाइन में उसको लटका दोगे वहाँ पर, ओके। तो ये सभी आपको खुद करना है, मैंने ये बता दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू फोर डिजिट। फोर डिजिट 999 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। थ्री डिजिट वाले ये लार्जेस्ट नंबर है 919, क्योंकि इससे बड़ी और थ्री डिजिट वाली कोई संख्या ही होती नहीं है, जो भी होएगा वो 999 से छोटा होएगा। मेड ऑफ थ्री डिजिट, ये थ्री डिजिट ही है, 1, 2, 3। इफ़ वी एड वन, अगर हम इसमें एक और प्लस कर देते हैं, एक को ऐड कर देते हैं, तो फिर ये 1000 हो जाती है, ठीक है ना। और 1000 क्या है? फोर डिजिट वाली सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, क्योंकि फोर डिजिट वाली इससे छोटी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इससे छोटी तो फिर थ्री डिजिट वाली आ जाती है, तो ये सबसे छोटी डिजिट फोर डिजिट नंबर की है, ठीक है। फिर ओ इट मीन्स 99 प्लस 1, 99 भी टू डिजिट की सबसे बड़ी डिजिट है, क्योंकि 99 से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। 99 में जैसे ही हम 1 प्लस करेंगे और ये 100 बन जाएगा, और 100 बनते ही है तो 1, 2, 3 डिजिट हो गया, तो ये थ्री डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और सबसे बड़ा नंबर ये हो गया लार्जेस्ट थ्री डिजिट का, क्योंकि इससे बड़ा कुछ होता नहीं है और इससे छोटा भी कुछ होता नहीं है। एंड 999 प्लस 1 किया तो ये 1000 हो गया, और 1000 कैसे बना? अब जैसे आपको इसमें समझ में आया वैसे ही 1000 सबसे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। सी एंड अंडरस्टैंड, जैसे 1008 है, तो 1000 में प्लस 8 ऐड कर दिए तो 1008 हो गया, ये 1008। 1012, तो 1000 में 12 ऐड कर दिया, 1208। ये क्या है? ये अपन ने प्लेस पढ़े, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, और ये थाउजेंड प्लेस है। जो फोर डिजिट नंबर होते हैं उसमें जो फर्स्ट वो होता है वो उसका प्लेस क्या होता है? थाउजेंड। तो 1208, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? 1000 में 208 ऐड कर दिए हैं, तो ये बन गया 1208, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं। 777 ये ऐसे लिखा है, अब यहाँ लिखा है 540। आप कैसे लिखो? 500 मतलब 5 का प्लेस क्या है 100 पे, मतलब वो तीसरे नंबर पे आएगा 5, और फिर 40 इस तरीके से लिख दे, ये 540 हो गया। अब ये है 888, तो आगे लिखना है 8, फिर आएगा 188, ठीक है, इस तरीके से बढ़ना है। फिर ये क्या है? ये फोर डिजिट हो गए देखो, और फोर डिजिट वाले में जो इसका प्लेस होता है फोर नंबर वाले का, उसका प्लेस होता है 1000, तो ये क्या बना? 1000, फिर 900, और फिर 40, तो ये 40 लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको भरना है। अब ये क्या है? 1648, तो 48
48 पहले लिख दो, फिर 100 प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 आ गया, और 1000 ये 1000 प्लेस पे 1 आ गया। इस तरीके से आपको लिखना सीखना है। 1553, तो इसमें क्या ऐड, 1000 में क्या ऐड हुआ, 553, तो ये क्या बन गया, 1553। तो इसको भी आपको इसमें वर्ड्स में लिख देना है, 1000, ये बन गया 1553। ओके, समझ में आ गया। अब आपको एक्सरसाइज 1 इसमें करनी है। सबसे पहले ब्लैंक्स पढ़ना है, 879 के बाद 880 आ गया, तो इसके बाद क्या आएगा, 881 आएगा, फिर 882 आएगा, इस तरीके से बढ़ना है। फिर 556 है तो 557, 558 है तो 559, 560, इस तरीके से बढ़ना है। 769 के बाद 770, फिर 771, 772, 773, इस तरीके से बढ़ना है। फिर 919 के बाद 991, 992, फिर 93 तो ऑलरेडी है, फिर 994, 995, 996, इस तरीके से इनको बढ़ना है। 999 के बाद 1000 हो जाएगा। समझ में आया, अभी हमने सीखा। अब आपको ये जो अपन ने विंडो बनाई थी ना, वैसी ही बनानी है। देखो 971 है तो अपने को पता है यहाँ पर 972 आएगा, तो इस विंडो में इसमें क्या आ जाएगा, 973। फिर इसको वापस बिगाड़ दो, पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कैसे देख के लिखा है। इसी तरीके से आपको पता है 971 वाली लाइन है तो नीचे वाली 81 वाली आएगी, तो 981 यहाँ आएंगे, फिर 900 यहाँ पर अपने आप से 82 आ जाएंगे, तो फिर इसको मिटा दो, फिर 83 इधर आएंगे जो बढ़ना ही नहीं है। फिर ये देखो 81 वाली लाइन है तो यहाँ पर 91 वाली 991 आएंगे, फिर आपको पता है 991 के बाद 992 आते हैं और फिर 993 आते हैं, तो इस तरीके से भर लेनी है। तो ये इसको फिर मिटा देना है, जो अपने को नहीं चाहिए ये मिटा दिए। तो ये अब अपने इस तरीके से भर दी मैंने, अब ये दोनों आपको भरनी है। चलो एक और बता देते, फिर आप ये भरना। 773 है मतलब पहले ये देखना है, यहाँ पर 772 है और यहाँ पर 774 है, बाद में वापस मिटा लेंगे। तो इसका मतलब ये 71 वाली लाइन है, 71 72 70, तो इससे ऊपर वाली 6 वाली होएगी, तो 7761 तो ये नहीं है, 762 से चालू होएगा, 762, फिर 763 और फिर 764। अब इसके बाद ये 71 वाली है तो 81 वाली आएगी, तो 781 तो चाहिए ही नहीं, 782 से चाहिए, फिर 783 नहीं लिखना है, और 84 लिखा हुआ है, अब आपको नहीं चाहिए, उसको मिटा दो। ये मिटा दिए, अब ये हो गई अपनी कंप्लीट विंडो। अब इसको आपको ही भरना है, अब इनको वर्ड्स में लिखना है आपको। जैसे मैं एक बता देती हूँ, 999, तो आप क्या लिखोगे, 900 90 99, ठीक है। और एक और बता देती हूँ, 1699, तो 1000 स्पेलिंग भी आपको लर्न करनी है, 1699, ठीक है। ये इस तरीके से, अब आपको जो नंबर्स में लिखे हुए, नंबर्स में लिखना है, ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं तो इनको नंबर्स में लिखना है। यहाँ पर अपन ने नंबर लिखे हुए थे वर्ड में लिखा, अब वर्ड में लिखे हुए नंबर में लिखना है, तो 678, तो पहले 78 लिख दो, और 100 का प्लेस तो तीसरे नंबर पे ही होता है, तो 600, ये 678 हो गए, 598 तो 598 हो गए, 734 तो 734 हो गए, 810 तो 810 हो गए, 1991, तो सबसे पहले 91 लिख दो, फिर
हंड्रेड प्लस पे क्या है, नाइन है, तो हंड्रेड प्लस टेंस प्लस के बाद आता है तो नाइन लिख दिए। फिर थाउजेंड प्लस पे वन, तो ये हो गया वन। वन हंड्रेड ट्वेंटी, वन हंड्रेड ट्वेंटी लिखना है तो वन हंड्रेड ट्वेंटी ये हो गया, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरना है वन थाउजेंड। ये वन थाउजेंड तो सबसे पहले फोर डिजिट का है, तो वन थाउजेंड में क्या ऐड हुआ, सेवन हंड्रेड नाइनटीन, तो सेवन हंड्रेड नाइनटीन ऐड कर दिए। इसी तरीके से वन थाउजेंड में फोर हंड्रेड एट्टीन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टीन, ठीक है। वन थाउजेंड वन हंड्रेड फाइव लिखना है, तो वन थाउजेंड पहले ऐड हुआ, फिर वन हंड्रेड फाइव, तो वन हंड्रेड फाइव कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये हो गया। वन हंड्रेड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन, तो ये क्या हो जाएगा, वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन। वन थाउजेंड सेवन, मतलब सेवन तो वन प्लेस पे, और वन थाउजेंड ऐड करना है, मतलब थाउजेंड फोर नंबर पे आता है, तो ये फोर नंबर पे वन आ गया, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप यू आर एंजॉय। थैंक यू।